अपनी जिंदगी में पहली बार कोरोना वायरस का नाम साल 2020 के पहले महीने में सुना होगा, लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो ये नाम एक सदी पहले अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, और इसकी वजह है वो शहर जिसका नाम कोरोना है। यही नहीं, वहां के रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्विमिंग पूल, शॉपिंग सेंटर, कब्रिस्तान, हॉस्पिटल और स्कूल का नाम भी दोस्तों कोरोना है। लॉस एंजलिस शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर, या फिर दुनिया के उस सबसे बड़े और सबसे गहरे समंदर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर कोरोना शहर वाकया है, और ये अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के पुराने शहरों में से दोस्तों एक है। 18वीं सदी में लोगों ने यहाँ कर रहना शुरू किया। 19वीं सदी तक इस इलाके का साउथ रिवर साइड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 20वीं सदी के आगाज से सिर्फ 4 साल पहले 1896 में इस इलाके का नाम तब्दील करके कोरोना रख दिया गया। लेकिन तब यहाँ रहने वाला कोई भी ये बात नहीं मानता था, ना जानता था कि 100 साल बाद दुनिया पर ऐसी वबा, बीमारी और हमलावर होगी जिसका नाम इस शहर के नाम पर कोरोना होगा, और जो 21वीं सदी की जदीद दुनिया को भी इस तरह बंद कर देगी कि अरबों लोग अपने घर तक ही महदूद रह जाएंगे। दूसरी जंग अजीम से आगाज सिर्फ कुछ दिन पहले यहाँ ऐसा सैलाब आया जिसने इस शहर समेत कैलिफोर्निया के कई शहरों में तबाही मचा दी, और जिस अखबार ने इस सैलाब की खबर शाया की उसका नाम भी कोरोना ही था, और अखबार का पूरा नाम था कोरोना डेली इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर। कोरोना शहर के कुछ दोस्तों मकामात मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों ये है उस शहर का एक स्विमिंग पूल, इसका नाम कोरोना सिटी पार्क पूल है। ये स्विमिंग पूल हर किसी के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो तैरना सीखना चाहते हैं। दोस्तों ये है यहाँ के एक रेलवे स्टेशन, इसका नाम है नॉर्थ मैन कोरोना रेलवे स्टेशन। ये अमेरिका के साफ सुथरे रेलवे स्टेशनों में से एक है, और यहाँ मुसाफिरों की सिक्योरिटी के भी बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े कंटेनरों में भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यही स्टेशन इस्तेमाल होता है। दोस्तों ये है यहाँ के एक स्कूल, इसका नाम भी इस शहर के नाम पर ही है, यानी कि कोरोना हाई स्कूल। इसे भी तब तामीर किया गया था जब इस शहर का नाम कोरोना रखा गया था, यानी कि 1896 में। दोस्तों यह है यहाँ का एयरपोर्ट, इस हवाई अड्डे पर सिर्फ छोटे जहाज ही उतरते हैं और उड़ान भरते हैं। कोरोना शहर के इस एयरपोर्ट का नाम भी कोरोना एयरपोर्ट ही है। दोस्तों यह है कोरोना पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शौक से आते हैं, और इसकी वजह है यहाँ रखे गए खिलौने और मछलियाँ, और ये 235 बिस्तरों पर मुश्तमिल यहाँ का हॉस्पिटल है। दोस्तों इसका नाम भी कोरोना मेडिकल सेंटर है। इसे 8 से 88 साल पहले 1933 में कोरोना के शहरियों के लिए खोला गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।